इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की गिनती दुनिया की शीर्ष स्पेस एजेंसियों में से की जाती है। भारतीय स्पेस एजेंसी ने हालिया चंद्र मिशन समेत कई कठिन स्पेस मिशनों को हाल फिलहाल में अंजाम दिया है। इसरो ने कम संसाधनों के बाद भी ये सब कुछ हासिल किया है। इन उपलब्धियों ने इसरो को नाम तो खूब दिया, लेकिन ये बात आपको हैरान कर देगी कि अभी भी देश की टॉप प्रतिभाएं इसरो के साथ काम करने से हिचकिचाती हैं। इसरो चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बेहतर प्रतिभाएं इंजीनियरों के रूप में होती हैं और सबसे अच्छे इंजीनियर IIT से निकलते हैं, लेकिन वो इसरो के साथ नहीं जुड़ रहे हैं। अगर हम IIT जाते हैं और वहाँ जाकर IIT को रिक्रूट करने का प्रयास करते हैं, तब भी कोई इसरो ज्वाइन नहीं करना चाहता है। इसरो चेयरमैन ने आगे कहा, बहुत सारे लोग मानते हैं कि स्पेस महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसा सोचने वाले लोग हमारे साथ जुड़ते भी हैं, लेकिन ऐसे लोगों का हिस्सा बमुश्किल 1% है। ज्यादातर लोग दूर ही रहना पसंद करते हैं। डॉक्टर एस सोमनाथ ने इसका कारण भी बताया। उन्होंने कहा कि इसरो से ज्यादा IITian के दूर भागने का सबसे बड़ा कारण सैलरी स्ट्रक्चर है। इस बारे में इसरो चेयरमैन अपना एक अनुभव साझा करते हैं। वो आगे कहते हैं, हमारी एक टीम इंजीनियरों को भर्ती करने के लिए IIT गई। टीम IITian के सामने करियर के अवसरों को रख रही थी। करियर के अवसरों और काम के तरीकों को समझाने के बाद टीम ये बताने लगी कि उन्हें इसरो में किस तरह से सैलरी मिलेगी। वहाँ बैठे विद्यार्थियों ने जब ये देख लिया कि उन्हें इसरो में ज्यादा से ज्यादा कितनी सैलरी मिल सकती है, बस फिर क्या था, 60% लोग वहाँ से उठकर चल दिए। देश की स्पेस एजेंसी में कम सैलरी की चर्चा पहली बार नहीं हो रही है। आपको बता दें कि हाल ही में बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने एक ट्वीट में भी ये बताया था कि इसरो के चेयरमैन और अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर एस सोमनाथ की सैलरी 2.5 लाख रुपए है, जो टॉप IIT के प्लेसमेंट में शुरुआती औसत सैलरी के आसपास है। इसरो में इंजीनियर की शुरुआती सैलरी 55,000 रुपए के लगभग मानी जाती है। आपको बता दें कि इसरो के हालिया चंद्रयान मिशन की सफलता के बाद शशि थरूर ने भी इस बारे में बात की थी। उन्होंने बताया था कि इसरो चेयरमैन ने TKM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई की है, जबकि उनके कई सहकर्मी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग तिरुवनंतपुरम से पढ़कर निकले हैं। उन्होंने चंद्रयान मिशन के सक्सेस के बाद ट्वीट करते हुए कहा था, जहां IITian सिलिकॉन वैली चले जाते हैं, CETN ने हमें चांद पर पहुंचा दिया। आपको बता दें कि इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की गिनती दुनिया की शीर्ष स्पेस एजेंसियों में की जाती है। भारतीय स्पेस एजेंसियां ने हाल ही में चंद्रयान मिशन समेत कई कठिन स्पेस मिशनों को हाल फिलहाल में अंजाम दिया है। इसरो ने कम संसाधनों के बाद भी ये सब कुछ हासिल किया है। उन उपलब्धियों ने इसरो को नाम तो खूब दिया है, लेकिन ये बात आपको जानकर खूब हैरानी होगी कि अभी भी देश की टॉप प्रतिभाएं इसरो के साथ काम करने से हिचकिचाती हैं। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।